नमस्कार किसान भाइयों, ये देखिए जी मधुमक्खी बैठ रही है फूलों पे और ये हमारे मौसमी में कितने सारे फ्लावर हैं आप देख सकते हैं। भरा पड़ा है पूरा का पूरा मौसम भी। ये देखिए अभी फिलहाल ये फ्लावरिंग स्टेज पर है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, ये हमने खुद तैयार की हुई है। ये देखिए फूलों से लदा पड़ा है पूरा का पूरा, जो जितने भी पेड़ हैं सारे फूलों से भरे पड़े हैं। इनमें ये रहेगा कि जो फ्रूट है वो पता नहीं कितना प्रतिशत जो सेट हो पाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरी तरह से नेचुरल है। मधुमक्खियाँ इस पर बार बार आ रही हैं, ये फूल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये देखिए गुच्छों में जो फ्रूट है ये करीबन 20% ही इसमें जो फ्रूट है वो रह पाता है, बाकी सारा का सारा जो झड़ जाता है। कारण ये रहता है कि पूरी तरह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता, मधुमक्खियां जो है वो पोलन नहीं ले पाती इनसे और एक जगह से दूसरी जगह नहीं बैठ पाती है। कारण ये रहता है कि आसपास में बहुत कम इस तरह का माहौल होता है, बहुत फूल कम होते हैं, इसलिए मक्खियाँ नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है मधुमक्खियाँ आ जाती है और वो फूल जो फ्लावर हैं उनको सेट करने में बहुत मदद करती हैं। और अगर ज़्यादा मधुमक्खियाँ आपने बुलानी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मधुमक्खियों को बुलाने के लिए आप थोड़ा बहुत शहद जो है, शहद का स्प्रे आप जो है पेड़ पे पहले से कर दें ताकि मधुमक्खियाँ आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ आ पाए। और ये देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है हमारा। ये कब सेट होगा, सेट होने के बाद मैं ज़रूर बताऊँगा।